Alright guys, now we will start with section 6. Section 6 mein humne seekhna hai how to use counters with comparator commands. Comparator commands ke saath counters kaise use karte hain. Ab jaise humne timers padhe the different types ke, aise hi humare paas counters bhi hain different types ke. Ab hum PLC ke manual mein jaate hain. Yahan pe dekhiye ye counter diye hue hain. Counter 16 bit counting up, 32 bit counting up down, 32 bit high speed counting up down. Three types of counter hai. 16 bit means iski jo range hai, that is 2 raised power 16, jo bhi value aati hai ye us range tak count kar sakte hain. Agar aapki counting usse zyada hai aap 32 bit le sakte ho. Aur isme counting up down dono direction mein hoti hai, isme sirf counting up direction mein hogi. To generally jab hum encoders use karte hain, hum high speed counter use karte hain up down mein, because usme humne dono counting up dekhni hoti hai, down dekhni hoti hai. अगर नॉर्मली आपको काउंट अप डाउन करना है विदाउट हाई स्पीड, आप ये वाले काउंटर यूज़ करो. हाई स्पीड करना तो इनकोडर के केस में जैसे कि ये वाले काउंटर यूज़ करो. और नॉर्मल काउंटिंग में जैसे आप बॉटल्स कन्वेयर पे बॉटल्स काउंट कर रहे हो तो नॉर्मल काउंटर यूज़ कर सकते हो. बाकी आपको लैच और नॉन लैच पता ही है. नॉन लैच जिसमें वैल्यूज रिटेन नहीं रहती रीसेट हो जाएगी, लैच जिसमें वैल्यू रिटेन रहती है. सिमिलरली इसमें भी नॉन लैच लैच है और ये नॉर्मली लैच रहते हैं. ऑलराइट, बिकॉज इनकोडर की वैल्यूज हमेशा स्टोर रहती है तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट लैच रखा उसको. तो पहली एक्सरसाइज देखते हैं. वो बोल रहा है कोड अ सर्किट सच दैट व्हेन एक्स जीरो इज प्रेस थ्री टाइम्स वाई जीरो शुड बी ऑन. अब एक्स जीरो को तीन बार प्रेस किया तो वाई जीरो ऑन होनी चाहिए. तो पहले इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं. तो टाइमिंग डायग्राम में क्या है, तो अब टाइमिंग डायग्राम में मैं पहले एक्स वन एक्स जीरो का बनाता हूँ. ये आपका कर्व है, दिस इज टाइम एंड दिस इज योर एक्स जीरो और ये है आपका आउटपुट. ये भी टाइम एक्सिस है, ये है वाई जीरो. अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन एक्स जीरो इज प्रेस्ड थ्री टाइम्स. ओके, तो सबसे पहले सपोज यूजर है, यहाँ पे कोई यूजर है वो एक्स जीरो को बटन को प्रेस कर रहा है. जनरली हम एक्स जीरो को हम ले लेते हैं नॉर्मली ओपन पुश बटन. ओके, तो उसने इसको एक बार प्रेस किया तो ये बटन ऑन ऑफ होता है. ठीक है, तो उसने अगर उसको एक बार प्रेस किया इस मोमेंट पे तो कुछ नहीं होगा. सेकंड टाइम प्रेस किया तो कुछ नहीं होगा. जैसे थर्ड टाइम प्रेस किया इस मोमेंट पे आपकी आउटपुट ऑन हो जानी चाहिए ऐसे. ठीक है, और ये ऑन रहेगी जब तक इसकी ऑफ कंडीशन डिफाइन नहीं की गई. अब इसके कोड पे आते हैं. कोडिंग में क्या करना है, आपने सबसे पहले इनपुट लेनी है एलडी एक्स जीरो. ये इनपुट ली, इस इनपुट से काउंटर एक्टिवेट करना है जैसे हम टाइमर करते थे. तो काउंटर का सिंटेक्स क्या है, सी एन टी. सी एन टी इज काउंटर. फर्स्ट काउंटर इज सी जीरो, मैं नॉर्मल ले रहा हूँ काउंटर 16 बिट नॉन लैच एंड थ्री. ठीक है, तीन काउंट चाहिए. काउंटर सी जीरो फर्स्ट काउंटर है, ये हमारा काउंटर का ब्लॉक बन जाएगा ऑटोमेटिकली. अब जब ये काउंटर पूरा हो जाएगा, एक नया लेटर लेते हैं. जब ये काउंटर पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल डी सी जीरो. सी जीरो तब आएगा जब काउंट तीन पल्सेस पूरे हो जाएंगी. आउट वाई जीरो, ये कमेंट आया हुआ बिकॉज यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, ये रेड नहीं है, ये है वाई जीरो. ओके, अब इसको चेक करते हैं, ट्रायल लेते हैं. ऑनलाइन जाता हूँ, ट्रांसफर हो गया पीएलसी रन मोड पे. अब ये देखो एक्स जीरो फर्स्ट टाइम ऑन किया, ये यहाँ पे वन आ गया. ठीक है, ऑफ कर दिया. सेकेंड टाइम ऑन किया टू आया, ऑफ कर दिया. थर्ड टाइम जैसे ही ऑन किया थ्री हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई. सी जीरो ऑन हुआ तो वाई जीरो ऑन हो गया. सिंपल, तीन बार ऑन करने पे आउटपुट ऑन. इसको मैंने ऑफ कर दिया. अगर इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो ये फोर पे नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम लिमिट थ्री पे ही जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टास्क. अब सेकंड टास्क भी इसी में कर लेते हैं. कोड अ सर्किट व्हेन एक्स जीरो इज प्रेस थ्री टाइम्स वाई जीरो शुड बी ऑन, ये हो रहा है. एंड व्हेन एक्स वन इज प्रेस वाई जीरो शुड बी ऑफ, यूज काउंटर रीसेट कमांड. अब इसके टाइमिंग डायग्राम पे आते हैं दोबारा. मैं इसमें टास्क वन प्लस टास्क टू लिख देता हूँ. एक्स वन के प्रेस होने पर तो यहाँ पर हम लेते हैं अलग ग्राफ एक्स वन का. आउटपुट ऑन हो चुकी है. एक्स वन को प्रेस किया तो ये आउटपुट ऑफ हो जाए, यानी कि अगर यहाँ पर एक्स वन प्रेस हुआ है तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगी. ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ. अब एक्स वन से कैसे ऑफ होगी, हमने यह देखो काउंटर इसको ऑन कर रहा है तो एक्स वन का काम है काउंटर को ज़ीरो करना जनरली. तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया नेटवर्क लेते हैं. नेटवर्क लेने के बाद
इनपुट है हमारी x1, सो ld x1। अब काउंटर कैसे रीसेट होगा? रीसेट कमांड से, काउंटर की, जैसे हम टाइमर को करते थे रीसेट, rst c0, इससे काउंटर जो 3 पे था दोबारा 0 पे हो जाएगा। लेट्स टेक अ ट्रायल। ओके, ये ऑन किया इनिशियली, 1 2 3, 3 पे आउटपुट ऑन हो गई, ये रीसेट ऑन नहीं हुआ, ये c0 ऑन हुआ, ये ऑफ कर दिया। अब इसको ऑफ करना है आउटपुट को, x1 ऑन करूंगा तो ये रीसेट करेगा, ये 3 को 0 कर देगा, 3 को 0 किया, ये कंडीशन फॉल्स हुई और आउटपुट आपकी ऑफ हो गई। तो ये था एक सिंपल सर्किट यूजिंग काउंटर, कैसे आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो और काउंट होने के बाद उससे आप आउटपुट ले सकते हो और उस काउंटर को फिर आप रीसेट भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था टास्क 1 एंड टास्क 2। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं टास्क 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।